इन्वेंट्री का एबीसी एनालिसिस क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो इस इन्वेंट्री आपके प्रोडक्ट्स को रखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक होता है उसको एबीसी तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक होता है उसको एबीसी की कैटेगरी में डिवाइड करके एनालाइज करके रखना। तरीका यूज क्यों होता है वो इसलिए, जो प्रोडक्ट फास्ट मूविंग होते हैं उनको ए कैटेगरी में रखा जाता है, जो मीडियम एवरेज सेल होती है जिनकी उनको बी कैटेगरी में, और जो स्लो मूविंग या डेड स्टॉक्स होते हैं उनको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। और इस तरीके से कैटेगराइज करके ही उनकी प्लेसमेंट होती है। जैसे कि जो ए कैटेगरी के प्रोडक्ट है उनको इजिली एक्सेसिबल जगहों पे रखा जाता है जो नजर के सामने हो और कम टाइम लगता है उनको प्रोडक्ट को उठाने में, और इसी तरीके से जो मीडियम सेल होती है जिनकी उनको पास में ही रखा जाता है लेकिन ए कैटेगरी के पीछे रखा जाता है, ए कैटेगरी के बाद में, और जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दूर रखा जाता है, सो दैट कि आपके जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको उठाने के और उनके ट्रांजेक्शन के लिए टाइम कम से कम लगे। ये होता है सप्लाई चेन में इन्वेंट्री को मैनेज करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरह के और भी वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे